हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं अप्रैल 15 का सम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में। ये अप्रैल 15 का सम है। हम लोगों ने 2007 का सम देखा था जिसमें कि इंपोर्टर की एंट्री मैंने बताई थी। अभी अप्रैल 15 में मैं आपको एक्सपोर्टर की एंट्री बताने वाली हूँ कि एक्सपोर्टर की एंट्री कैसे करते हैं और ए टू जेड जितना भी डिटेल्स वगैरह है सब बताती हूँ। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड वर्थ 10 लाख। बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका, बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका जो आपका है, ये है आपका एक्सपोर्ट कर रहे हो ना आप, तो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? स्मिता लिमिटेड ये इंडियन है और बराक लिमिटेड ये अमेरिकन है। तो ये इंडियन अमेरिकन को सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? गुड सोल्ड कर रहा है। ओके, उस टाइम हमने देखा था कि दीपाली मैडम इंपोर्ट कर रही है यूएसए से, बट इस बार स्मिता लिमिटेड जो कंपनी है वो कंपनी बराक लिमिटेड को सोल्ड कर रही है, जो बराक लिमिटेड कंपनी अमेरिका की कंपनी है। ओके, तो अब अमेरिका बराक लिमिटेड को सेल कर रही है, तो स्मिता लिमिटेड अपने अकाउंट में जो एंट्री कैसे करेगी? तो स्मिता लिमिटेड का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ स्मिता लिमिटेड, तो स्मिता लिमिटेड अपनी बुक में एंट्री करती है। कैसे करेगी वो? अब कोई भी अगर स्मिता लिमिटेड है, अभी वो एंट्री कर रही है, तो जो बराक लिमिटेड है ये फॉरेनर है। फॉरेनर अगर हम फॉरेनर को सेल कर रहे हैं तो हमारे एंट्री क्या होगी? फॉरेन पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। एक्सपोर्ट सेल्स क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, सेल्स कर रहे हैं। दैट्स वाई बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है क्योंकि एक्सपोर्ट किया, दैट्स वाई एक्सपोर्ट की एंट्री आएगी। बराक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्सपोर्ट अकाउंट। ओके, फिर नरेशन क्या आएगा? बिंग, कितना गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं? 10 लाख का वर्थ हम लोग सोल्ड कर रहे हैं गुड। ओके, तो बिंग गुड एक्सपोर्ट वर्थ डॉलर टेन लाख जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सचेंज रेट उसके मतलब जब 31 जनवरी 2014 को जब वो सोल्ड कर रहा है स्मिता लिमिटेड, उस टाइम एक्सचेंज रेट कितना है? एक्सचेंज रेट 31 जनवरी कितना है? 61 रुपीज है, मतलब पर डॉलर का 61 रुपीज है। तो 10 लाख का 10 लाख उसको वर्थ कर रहा है, सेल कर रहा है, तो बींग गुड एक्सपोर्ट वर्थ $10 लाख, एक्सचेंज रेट बींग पर डॉलर ₹61। बस ये नरेशन रहेगा। और फिर हम कैसे करेंगे? तो इसको आप ऐसे करोगे, अभी आपका 10 लाख आया ना, तो आप 10 लाख लिखोगे, 10 लाख इंटू कितना डॉलर? 61। तो 61, तो 66 करोड़ 10 लाख आ जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पे लिखोगे, बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, बींग गुड एक्सपोर्ट वर्थ $10 लाख, एक्सचेंज रेट बींग $1 per rupees 61। एंड जो आप 10 लाख का इंटू 61 करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। देन फिर अभी आपको क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ पे बोला है अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम। अब स्मिता लिमिटेड ने सोल्ड किया तो उसके बदले उसको कुछ पैसा तो मिलेगा ना, तो ये बराक लिमिटेड वो पैसा देती है। जब देती है तो फर्स्ट फेब्रुवरी 2014 को क्या होता है, ये रिसीव कर रहा है, मतलब कि ये जो बराक लिमिटेड है ये पैसा दे रहा है। किसको सेंड कर रहा है? स्मिता लिमिटेड को। इट मीन्स कि ये रिसीव कर रहा है स्मिता लिमिटेड, कोई जो भी पैसा है, मनी है, वो रिसीव कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर सेल करते हैं तो उसके बदले में पैसे लेते हैं, यही है ना। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो समथिंग वी विल टेक। ओके, तो हम क्या ले रहे हैं? हम मनी ले रहे हैं जो भी रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो कभी कर रहे हैं, 1 फरवरी 2014 को रिसीव कर रहे हैं, 31 जनवरी को सोल्ड किया था और रिसीव हो रहा है 1 फरवरी 2014 को।
कितना रिसीव किया स्मिता लिमिटेड ने? 4 लाख, 4 लाख रिसीव किया। और जब उसने 4 लाख रिसीव किया, तब एक्सचेंज रेट पर डॉलर का कितना एक्सचेंज रेट था? 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ पर डॉलर का था। मतलब कि अभी इसकी जनरल एंट्री कैसी आएगी? तो इसकी जनरल एंट्री आएगी अभी रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। मतलब कि हम बैंक के थ्रू ले रहे हैं पैसा, किसके किसने सेंड किया? बराक लिमिटेड ने। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। तो ये हो गया, आपने रिसीव किया। अभी आपने जब लिखा, तो आप यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। आफ्टर दैट आपका जब आपने एक्सपोर्ट किया, तब आपका एक्सचेंज रेट था पर डॉलर में 61 रुपीज़। ओके, तो पर डॉलर का 61 रुपीज़ ये हो गया। देन कभी भी फॉरेन पार्टीज को जो भी एक्सपोर्ट किया, तो वो वाला रेट लेंगे, और जब आपका जब रिसीव कर रहे हैं तो उसका एक्सचेंज रेट लेंगे। तो यहाँ पे 61 है और बैंक अकाउंट का 60 रुपीज़ है, मतलब ये तो पर डॉलर का 60 रुपीज़ है। तो जब आपने एक्सपोर्ट किया, तब आपका पर डॉलर प्राइस, आपके रुपीज, इंडियन रुपीज कितना था? 60 रुपीज़ था, 1 डॉलर का 61 रुपीज़। पर अभी आपका हो गया है, अभी आपका 60 रुपीज़ हो गया है। तो आपको अभी इसमें आपने एक्सपोर्ट किया था तभी 61 था, मतलब कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो प्राइस ज़्यादा था। अभी वो पैसा हमें दे रहा है तो कम प्राइस में देगा, बिकॉज हमारी करेंसी के हिसाब से देगा। दैट्स वाई आपको लॉस हो रहा है, तो स्मिता लिमिटेड को लॉस हो रहा है। दैट्स वाई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो कितना? 60 में 61 गया तो 1 रुपीज़, तो नेगेटिव 1 रुपीज़ हो गया आपका लॉस। तो फिर क्या करोगे? आप कितना दे रहे हो? आप दे रहे हो 4 लाख दे रहे हो, 4 लाख। हाँ, तो 4 लाख इंटू 60 करोगे तो आपको 24 लाख, 2 करोड़ 40 लाख आएगा। एंड यहाँ पे इंटू 1 करोगे तो 4 ही लाख आएगा, एंड यहाँ पे 61 करोगे तो 2 करोड़ 44 लाख आएगा। तो ऐसे आपका अमाउंट आ जाएगा। नरेशन में क्या लिखोगे? बिंग बिंग फॉर बिंग गुड वर्थ सॉरी बिंग डॉलर 4 लाख रिसीव किया। तो बिंग डॉलर 4 लाख रिसीव किया, कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं, तो बिंग 4 लाख रिसीव। एंड एक्सचेंज रेट कितना है? 60। तो एक्सचेंज रेट बिंग 60 पर डॉलर रुपीज 60। ओके, एंड जो भी ट्रांसफर हुआ, आपका जो ये ट्रांसफर हुआ, ये दोनों के बीच का ये डिफरेंस, जो ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर चलेगा बिंग ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो अभी आपका ये हो गया, द 1 फरवरी का रिसीव हो गया। देन सेकेंड सॉरी 1 मार्च को आप स्मिता लिमिटेड ने रिसीव किया 1 लाख रुपीज़। तो 1 मार्च को 1 लाख रुपीज़ रिसीव किया, तो हमारी जनरल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। देन यहाँ पे बोला है कि जो बराक लिमिटेड है, ओके, तो अभी जब एक्सपोर्ट किया तभी 61 रुपीज था, पर डॉलर का रुपीज कितना था? 61। और अभी 1 मार्च को 62 रुपीज हो गया, ओके, तो जब रिसीव कर रहे हो आप तो 62 रुपीज हो गया। इट मीन्स कि बैंक पहले कितना था? पहले था 61, अभी आपका 62 हो गया। इट मीन्स कि आपका पैसा जो है, तो आपने जब रिसीव कर रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। दैट्स वाई आप फॉरेन एक्सचेंज सॉरी 61 था पहले, अभी 62 हो गया। इट मीन्स क्या कि अभी 61 है और अभी सॉरी अभी 62 है और पहले 61 था। इसका मतलब होता है कि पहले आपने जब कोई गुड्स आपने सेल किया, तब आपका 61 प्राइस था पर डॉलर का, पर अभी 62 हो गया। इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, क्योंकि आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 62 माइनस 61, तो जो 1 रुपीज डिफरेंस बचा वो चला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में। तो नरेशन लिखेंगे बींग US डॉलर 1 लाख रिसीव
एक्सचेंज रेट बिंग पर डॉलर रुपीज 62 एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो फिर जो अमाउंट है आपका 62 लाख एंड इंटू करो, जो 1 लाख से इंटू कर दोगे 62, तो 62 लाख मिलेगा। 1 लाख इंटू 1 तो 1 लाख आएगा, 61 इंटू 1 लाख तो 61 लाख आएगा। तो इस तरह आपका हो गया। देन 30 मार्च को 5 लाख का रिसीव किया उसने, तो आप लिखोगे 30 मार्च ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। ओके, देन आपका 30 मार्च को कितना रेट है, 58 रुपीज रेट है आपका, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट का जो भी 58 न्यू रेट है, जो पर डॉलर पे 58 रुपीज है, एंड पहले का कितना था जब आपने एक्सपोर्ट किया था, तब 61 था, 61, तो 58 में और यहाँ पे 61, मतलब अभी कम हो गया है, कम हो गया है रेट, मतलब अपना जो इंडियन करेंसी है पर डॉलर का वो कम हो गया है, 58 हो गया, पहले 61 था, तो डॉलर की कीमत में तो ये गिर गया ना, तो 3 रुपीज जो भी डिफरेंस है वो 3 है, तो 3 रुपीज ये लॉस हो गया स्मिता लिमिटेड को, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका अकाउंट। देन कितने रुपीज, 5 लाख, 5 लाख का वो रिसीव कर रहा है, तो 5 लाख बिंग $5 रिसीव किया, एक्सचेंज रेट बिंग पर डॉलर रुपीज 58 एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो 5 लाख इंटू 58 करेंगे तो 22 करोड़ 90 लाख आएगा, फिर 5 लाख इंटू 3 करेंगे तो 15 लाख आएगा, 5 लाख इंटू 61 तो 3 करोड़ 5 लाख आएगा, सॉरी 30 लाख, सॉरी 3 करोड़ 5 लाख। तो इस तरह आपका ये हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पे 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो अब आप अकाउंट क्लोज करोगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अभी कोई भी अकाउंट जब आप क्लोज करते हो तो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट और लॉस है आप वो देखोगे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दिख रहा है डेबिट में, यस 4 लाख है, तो मैंने यहाँ पे लिया 4 लाख प्लस जो और डेबिट में है कहीं, नहीं नहीं है, तो अभी आप क्रेडिट में देखोगे तो मैं यहाँ पे लेस कर दूंगी 1 लाख। देन यहाँ पे 15 लाख है, सॉरी, तो 4 लाख प्लस 15 लाख कितना हुआ, 4 लाख प्लस 15 लाख, जो भी डेबिट साइड का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो ऐड कर दो एंड क्रेडिट साइड का जो भी है वो लेस कर दो। तो क्रेडिट साइड का ये है 1 लाख, तो लेस कर दिया 1 लाख, तो 18 लाख आ गया। आपका जो ये 18 लाख आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, 18 लाख 18 लाख। नरेशन आएगा बिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह आपका अप्रैल 15 सम कंप्लीट होता है। तो आप, आई होप आपको एक्सपोर्ट की भी एंट्री समझ में आगे रहेगी कैसे करने का है। थैंक यू सो मच, शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल एंड एनी डाउट रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, सो आस्क मी, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका हर हर प्रॉब्लम्स या फिर हर सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम है अगर एनी डाउट वगैरह रहता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।